मेरे सामने एक स्ट्रेंजर है, ठीक है, और मुझे उससे बात करना है लाइक एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में मतलब कंफर्टेबल वो पर्सन नहीं होता, मतलब पहले से हमको पता चलता है लाइक उसके साथ बात ना करो तो अच्छा होगा, आपका बैड एक्सपीरियंस होगा, आप इस्तेमाल होगे, तो उस टाइम क्या फोर्स करके खुद को ले जाके बात करना है? आई थिंक हम अगर खुद को फोर्स करके बात करेंगे तो इस्तेमाल होने का चांस है, तो उस टाइम व्हाट कैन आई डू? देखे जैसे ना कभी बोला है कि आपका एक ऑरा होता है बात करते समय, मतलब कि आपका कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, आप समझे कंफर्ट जोन क्या होता है। पहली बात तो ये है कि आपका कंफर्ट जोन मतलब आपका वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहता है, ठीक है, हम उस कंफर्ट जोन में काफी अच्छे से बात कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरा कंफर्ट जोन ये बना अभी, तो मैं जब यहाँ पे ऐसे हैंड मूवमेंट करूंगा तो ये मेरा कंफर्ट जोन है बोलते समय, जैसे मैं इसके बाहर जाता हूँ ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्टेट चेंज होने वाला है। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका कंफर्ट जोन कितना है, आपका ऑरा कहाँ तक है, ये पहला। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं जब स्ट्रेंजर को देखता हूँ और फिर ये मन में आता है कि मैं उसके साथ कैसे बात करूं, तो आप नोटिस करना आपका कंफर्ट जोन बात करने का नहीं है, बट आपका कंफर्ट जोन खुद से बात करने का ज्यादा होता है उससे। या आपके कंफर्ट जोन में ये भी आता है कि आप थोड़ा सा धीरे बात करेंगे तो भी आपका कंफर्ट जोन बन सकता है, बट हम उस लेवल पे सोचते हैं कि जहां पर हमें उसके साथ बात करना है। जैसे मेरा आवाज ज्यादा है और मेरे हैंड मूवमेंट ज्यादा है और आपको लगता है कि मुझे ऐसे बात करना है या फिर ऐसे बात करना है, ठीक है, जहां पर मेरी आवाज उसको सुनाई देनी चाहिए और आपको आपके हैंड मूवमेंट से बात करना है, तो वहां पे आपका ऑरा वो नहीं बना, भी आपका ऑरा अपने अंदर बना। मतलब आप जब स्ट्रेंजर से मिलेंगे तो हो सकता है आपकी आवाज कम होती है तो आपका कंफर्ट जोन है, तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा कंफर्ट जोन अभी क्या बन रहा है। गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मतलब सम टाइम हमारा कंफर्ट जोन बोलने का नहीं होता है, हमारा कंफर्ट जोन कम बोलने का होता है, धीरे बोलने का या फिर धीमे बोलने का होता है, और फिर जैसे आप उसमें कंफर्टेबल हो गए उस कंफर्ट जोन के साथ, फिर आपकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ेगी, हैंड मूवमेंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, समझ रहे? तो आपको वो कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें बात करनी है लाउडली क्योंकि लोग नहीं सुन पाएंगे, बट आपका अगर वो अनकंफर्ट जोन है तो वहां पे ही डाउट आता है, आप क्या सच में इस लेवल का बोल सकता हो जहां पर मेरा कंफर्ट जोन नहीं बन रहा है? तो मे बी आपकी शुरुआत आपके कंफर्ट जोन के साथ होनी चाहिए, जो हो सकती है कि आप थोड़ा धीमे बात करें या आराम से बात करें, या मे बी ऐसे बात करें जिससे कि उसको आपकी आपका वर्ड सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपने थोड़ा धीमे बोला और फिर थोड़ा लाउड बोला, ये भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर ऑरा या फिर अंडरस्टैंड योर कंफर्ट जोन या फिर अंडरस्टैंड कंफर्ट स्पेस। वो कंफर्ट स्पेस बाहर से ज्यादा कभी कभी अंदर की तरफ हो सकती है कि आप अंदर में कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप स्ट्रेंजर को भूल जाओ, आप खुद से बात करो, तब कंफर्टेबली सेल्फ टॉक अंदर ही अंदर कर सकते, अब आपका अंदर बन गया है। कंफर्ट जोन कहां पर है? कंफर्ट स्पेस कहां पर है? आपके अंदर है अभी, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे उस आवाज को निकालना स्टार्ट करते हैं, अब आपका कंफर्ट स्पेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अंडरस्टैंड दैट कि आपका कंफर्ट स्पेस अभी कहां पर है, क्या वो एक्सटर्नल है या क्या वो अभी के लिए भी इंटरनल है। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे स्ट्रेंजर से बात करने का, तो मे बी आप अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करके आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीमे बात कर सकते हैं या मे बी ऐसे बात कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो आपके दिमाग में अगर लोग रहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि मुझे स्ट्रेंजर से बात करना है, तो जब आपके दिमाग में वो स्ट्रेंजर रहेगा तो आप एक्चुअली नेचुरल बात नहीं कर पाएंगे, आप वहां पे आर्टिफिशियल बात करेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा? आप उसको इंप्रेस करने के लिए बात, जो कि आप है ही नहीं, जो आप वैसे बात नहीं करते नेचुरली। आप नेचुरली कैसे बात करते? आप नेचुरली तब बात करते हैं जब आपके दिमाग में ऑडियंस नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, बट मैं क्वेश्चन का आंसर देते समय मैं आपको इंप्रेस नहीं कर रहा हूं,
मेरे दिमाग में आप है ही नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं है, मैं बस नेचुरली बात कर रहा हूँ, मैं बस अपने साथ बात कर रहा हूँ, और मैं बस ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं कंफर्ट स्पेस में बात कर रहा हूँ। अब मैं नेचुरली बात कर पा रहा हूँ, अब ये मेरा कंफर्ट जोन और बढ़ा रहा है, अब मैं हैंडमूवमेंट को और अच्छा कर सकता, और अच्छा कर सकता, समझ रहे? तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि बहुत बार हम जो कंफर्ट स्पेस की बात करते हैं, ये बहुत बार आपके अंदर भी हो सकती है कंफर्ट स्पेस।